गाइस तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जय श्री राम। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ एंड जो मेरी तबीयत है, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है एंड जो मेरे को हर गर्मी के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि मेरे को सांस नहीं आती। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोग के लिए मैं एक रिकैप दे रहा हूँ, जिन लोग देख चुके हैं तो उन लोग को तो पता ही है मेरे को थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम होती है गर्मी के स्टार्टिंग वीक में। तो इस बार मैंने उस चीज़ को पढ़ के ना होते हुए पहले ही डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन सारे मैंने ले लिए थे। हाँ, ये हो गया था कि मेरा 5 दिन के लिए जिम बंद हो गया था, 5 दिन तक मैं जिम नहीं गया था। कल ही गया हूँ जिम एंड पंप बहुत अच्छा आया है। और एक और बता दो भाई, तुम्हारे भाई के एज विजिबल होने लग गए हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ही जिम वीडियो भी लेके आऊँगा। देखो गाइस, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है, देखो एक मेरे पास ये वाला ट्राईपॉड है, ये काफ़ी बड़ा ट्राईपॉड है। मतलब जैसे मेरा इतना बड़ा जिम नहीं है कि मैं इतना बड़ा ट्राईपॉड लेके जाऊं, ठीक है। एंड मेरे पास एक और है, अभी आपको मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। मेरे पास एक हैंड, मतलब जिससे हाथों का जैसे ब्लॉगिंग करते हैं वो वाला है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जिम में इतनी स्पेस नहीं है या मेरे जिम में इतने सारे प्लेसेस नहीं है जहाँ पर मैं अपने कैमरे को फिट कर सकूं या मैं वहां से रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस बना रहा हूं, या मैं थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक ट्राईपॉड ऑर्डर करने की सोच रहा हूं जिससे मैं जिम में रोज़ वीडियो बना सकूं। और मेरा प्रॉब्लम भी ये है कि भाई देखो, मेरे को शाम को जिम अच्छा लगता है जाने में, क्योंकि भाई देखो मैं सुबह वॉक करता हूं, ठीक है। सो अपना 5 बजे वॉक करने चले जाता हूं और फिर मैं आता हूं शाम को तो फिर मैं जब आता था वॉक करके, अपना मील भी खा लिया, सो लिया, आराम कर लिया और फिर अपना अभी तो उसके बाद फिर अपना काम कर लिया। तो शाम को अपने जिम चले गए, जिम से आए फिर अपना मील खाया, तो मैं अभी अपने पूरा बीच में अपना काम निपटा लेता हूँ, इसलिए जिम में थोड़ा लेट जाता हूँ 6:30 बजे, ठीक। तो मेरी ये चीज़ होती है, तो इसलिए। और जहाँ की जैसे तबीयत की बात है, अभी तक तो मेरे को सही लग रहा है, लेकिन जैसे मेरे साथ पिछली बार भी हुआ था कि 5-6 दिन के बाद फिर से वही सब चीज़ें होने लग गई थी। तो प्लीज़ इस बार, क्योंकि मैंने इसको पहले ही इस बार ये मैंने इतनी दूर जाने नहीं दिया है, मैंने पहले ही उस चीज़ को समझ के मैंने बोल दिया कि हाँ मम्मी तबीयत ख़राब हो रही है, दिखा दो, या पापा वही पापा मम्मी को कह दिया। तो आई होप कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। तो ठीक है गाइस, तो चलो आपको मैं एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं अपने पिछले 2-3 ब्लॉग से बात कर रहा हूँ कि दिखाऊंगा, लेकिन सब लोग बोलते हैं कब आएगा वो दिन, आज है वो दिन। चलो तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा मॉनिटर और ये रहा मेरा पीसी और ये मेरे हेडफोन्स जो मैं यूज़ करता हूँ ऐसे काम वाम करने के लिए, अच्छे हेडफोन पिछले मैंने ले लिए थे, और माउस कीबोर्ड। तो गाइस मतलब वैसे तो जो स्क्रीन मैंने ली थी ये सैमसंग की है और ये कर्व्ड है, अभी न्यूली ही लॉन्च हुई है, पता नहीं कौन सी थी, मेरे को याद भी नहीं मेरे को कितनी की पड़ी थी। अगर तो मेरे को पता चलेगा तो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, वरना आप ऐसे ही समझ जाना, ठीक है। तो अब ये जो गाइस ये जो पीसी है, ठीक है, तो पहले देखो भाई ऐसे ना फील आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, तब मज़ा आएगा, ठीक। तो एक मिनट इसका, थोड़ी सी लाइट जली है। ऐसे मेरा हर एक चीज़ मतलब जो लाइट है वो मेरा पर्टिकुलर हर चीज़ पे है, जैसे माउस वाउस और ये भी। तो गाइस ये देखो, ये इसका ऑन बटन है और अभी मैं ऑन करूँगा एंड बूम। तो गाइस ये देखिए, अभी जैसे इसके बस फैंस में लाइट है एंड इस चीज़ में भी लाइट है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा पीसी है। अब भाई रेट मत पूछना, क्योंकि रेट काफ़ी महंगा मेरा बना है, ये मेरे हिसाब से महंगा है, बाकी बहुत सारे लोगों ने इससे महंगा ही बनवाया है, लेकिन वो मेनली जो इन्वेस्ट करते हैं चीज़ें वो मतलब जैसे लुक्स पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि और जो कि कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है, क्योंकि भाई अब आपका वो चीज़ काम नहीं है, आपका काम मेनली
सोशल मीडिया पे दिखाना है तो उस चीज़ के लिए आप कर सकते हो। वो चीज़ मैं भी कर सकता था, बट ठीक है भाई, मेरा जितना बजट था मैंने उस बजट में अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करी है, और मेरे लिए भाई देखो वही बजट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन है भाई, पता नहीं मेरे को, और ये वो है QHD डिस्प्ले है ये। ठीक है, ये जो मेरी सैमसंग की है, एंड इसका यस, तो ये स्काइस। अब इसके अंदर सेट, अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इसके अंदर प्रॉपर ये देखिए, ये जो कैबिनेट है ये पूरा ग्लास का है। ठीक है, ये पूरी ग्लास का है, ये पूरा ग्लास का है। ठीक है, यहाँ से पूरा एयर पास होती है, और ये जो आप इसके फैंस देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, अब ये जो मेरे को फैंस आए थे वो इसी में लगे हुए आए थे। ठीक है, वो मतलब मैंने अलग से खरीदे नहीं है। कुछ कुछ कैबिनेट ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको अलग से फ़ैन ख़रीदना पड़ता है। इससे पहले मैंने कैबिनेट देखी थी, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल थी, और आजकल इस कैबिनेट का थोड़ा चलन भी, और ये मेरे को मतलब काफ़ी मेरे बजट में ही मिल गई थी। आई थिंक सो मेरे को 6 to 7 thousand की मेरे को कैबिनेट ही मिल गई थी। तो ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छी कैबिनेट है, एंड मैंने अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, दिखने में भी अच्छी है, एंड बाकी बिल्ड बिल्ड तो अच्छा ही। उसके साथ कुछ खेलना मतलब ऐसे उठा के पटकना तो है नहीं कि मेरे को इतने ज़्यादा वो पड़े, बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो गाइज अब आप देख सकते हो, अब जो दो बार हैं जिनमें लाइट जल रही है वो है मेरी रैम। ठीक है, अब आपको मैं धीरे धीरे चीज़ें बताते जाता हूँ। पहले जिन जिन चीज़ों में लाइट चल रही है वो आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखो, ये जिनमें जो लाइट चल रही है, ठीक है, तो ये जो है ये आपके कैबिनेट्स फैंस हैं। ठीक है, इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, मैं यहाँ नीचे ही फैंस लगा सकता हूँ। ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हो, यहाँ नीचे भी फैंस लग सकते हैं। तो टोटल क्या नाम है, 3 4 4 5 6 7 7 फैंस लग सकते हैं इसमें। ये नीचे के पूरे फैंस लगे हुए, और ऊपर भी, ऊपर तो चलो अभी मैं आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैबिनेट के फैंस हैं, एंड गाइस वो जो जो दो बार्स हैं जिसमें जो दो बार जो लाइट जल रही है वो मेरी रैम है, और जो मेरी एक बार है वो 32 GB की है। तो टोटल 64 GB रैम है मेरी। ठीक है, दोनों 32 32 की हैं रैम, और ये मेरा जो मदरबोर्ड है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर लेटेस्ट मदरबोर्ड है। ठीक है, एंड मतलब थोड़ा महंगा भी पड़ा था, बट ठीक है भाई, मेरा ये था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अच्छी से अच्छी इन्वेस्ट करूं। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को भले ही जाने दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, एंड गाइस ये आप, ये जो ऊपर ये जो तीन फैंस हैं ये अलग हैं। ठीक है, एक मैंने थोड़ी सी लाइट कम कर लेता हूँ, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो आप ऊपर के फैंस देख रहे हैं, ठीक है, ये वाटर कूलर्स के, ये वाटर कूलर का फ़ैन है जो हमारा प्रोसेसर के ऊपर लगता है। वो जो आप देख रहे हैं जिस पे ऐसे मतलब जो साइन बना हुआ है वो वाटर कूलर है। अब वाटर कूलर क्या करता है, जिससे जो भी आपका जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी आप प्रोसेसर अपना मदरबोर्ड में आप लगाते हैं, तो उसको कूल करने में मदद करता है, जिससे जो काफ़ी अच्छा रहता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड गाइज अब आप सोच रहे होगे कि ये इतना बड़ा सा क्या है जिसमें MSI लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाइज ये है मेरा ग्राफिक कार्ड, एंड ये जो मेरा ग्राफिक कार्ड है वो है 4070 Ti, और मेरा सबसे बड़ा मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो यही है। सबसे ज़्यादा महंगा मेरा ग्राफिक कार्ड ही है, 4070 Ti, एकदम लेटेस्ट जनरेशन का है। ठीक, जो और जो मेरा प्रोसेसर है, जो मेरा प्रोसेसर है इसमें वो है मेरा i9 14th Gen। ठीक है, i9 14th Gen, और वाटर कूलर मैंने नॉर्मली लगाया है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और गाइस आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको वेव में कर सकता हूँ, अब ये जैसे इस टाइप में चलेंगी जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं अपने PC से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये ऐसे सब फ्लैश की तरह भी चल सकती है, लेकिन मैं इसको वैसे मेनली ऐसे नॉर्मल रखता हूँ, जिसे एक आप एक रख सकते हैं। ये इसमें होता है मल्टीपल कलर्स चलते हैं, सिर्फ एक कलर्स पे नहीं रहता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये आपका एज अ रेनबो कलर में चलता है। ये आप देखिए, इसको मैं एक बार कलर डाउन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। बट
मेरे को ऑल ओवर जो सबसे ज़्यादा सही लगता है, आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, बट जो मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है वो मेरे को एक सिंगल कलर ही लगता है, क्योंकि इतना मेरे को कोई यूज़ लगता नहीं है। अब यहाँ से मैं अपने फैंस के जो कंट्रोल है उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं जब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी काम करता हूँ तो मैं इसको फुल स्पीड में रखता हूँ, जब मैं इसको कोई नॉर्मल काम करता हूँ, 1 मिनट यार फोकस हो जाए, ठीक है, नॉर्मल काम करता हूँ तो मतलब ऐसे आप मैनुअल भी रख सकते हो, आप बीच का मतलब ठीक है वो ऑटोमेटिकली अपना सही कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। तो हाँ चीज़ है। तो गाइस 1 मिनट लाइट में आ जाता हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ये था कि मैं एक व्लॉग इसके ऊपर पूरा बनाना चाहता था जिसमें मैं अपने सिस्टम के बारे में बताऊं और ये सब चीज़, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कभी कभी जैसे सबके लिए अपने अपनी कोई ना कोई चीज़ मैटर करती हैं, तो मेरे को ये चीज़ होती है कि मेरे को कोई चीज़ बताने में या मेरे को कोई चीज़ मतलब आई एम नॉट जैसे दिखाने में, हाँ लेकिन मेरे को कोई चीज़ बताने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को काफ़ी मज़ा आता है ये सब मतलब ऐसे रिव्यू या ऐसा कुछ करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची कि मेरा जो इस बार का व्लॉग रहेगा प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर रहेगा, जिससे मैं इसके ऊपर प्रॉपर मतलब इसे पूरा अच्छे से बता पाऊँ। एंड इसलिए मेरे अभी इतने सारे व्लॉग निकले, मैं चाहता था इसको कवर कर सकता था। यार ये बताओ किसको पता है i9 क्या होता है, या ग्राफिक कार्ड क्या होता है, या फिर वाटर कूलर क्या होता है, या फिर बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि ये चीज़ है क्या, ये फैंस क्या हैं, ये क्यों लगे हैं, ये क्यों किया है, या आपने ये है क्या। बहुत सारे लोग को नहीं पता है, मेरे जितनी मेरी ऑडियंस है मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग को पता भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ होती क्या है, बट मैं क्यों बता रहा हूँ, और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अरे यार क्यों बता रहे यार, ठीक है। बट ठीक है यार, अब यार देखो हम क्या करते हैं यार, मैं देखो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कंटेंट अपनी मर्जी से डाल लूँ या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 10 वीडियो या मैं 10 कंटेंट भी डाल रहा हूँ तो उसमें से मैं एक तो अपने अपने मन का डाल सकता हूँ ना, या फिर एक चीज़ मैं ऐसे डाल सकता हूँ कि हाँ यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है ये सब चीज़, मतलब एक बार ये चीज़ मैं अपने मन की थोड़ी सी करके देख रहा हूँ, तो वो मकसद था मेरा ये करने का, बाकी और कोई चीज़ दिक्कत नहीं। तो गाइज आज का व्लॉग यहाँ तक ही था, आई होप आप लोग को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और किसी अपने एक दोस्त को शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, जय श्री राम।